दोस्तों, स्वागत है आपका गोरखपुरिया ब्लॉग्स में और मैं पूरी श्रेयांश फिर से आपको वापस आए हैं। तो लास्ट वीडियो के लिए सबसे पहले थैंक्सफुल रहूंगा आपके लिए कि आप लोगों ने जितना भी प्यार दिखाया है। तो अभी इतना कवर करने के बाद हमने जो नारा लिया था अपना स्ट्रीट फूड का, तो अभी हम लोग स्ट्रीट फूड को कवर करने आए हैं। आने वाले मेरे 5 से 6 फूड ब्लॉग उसी के ऊपर रहेंगे स्ट्रीट फूड पे। तो जो हमने सबसे पहले दुकान स्टार्ट की है, तो दुकान पे जाने से पहले एक सिनेमैटिक शॉट लेते हैं। सिनेमैटिक शॉट नहीं होगा, एक व्यू ले लेते हैं फिर बात करते हैं। अभी हम लोग जगह पे आ गए हैं। बेसिकली जगह लोकेटेड है नॉर्मल से, जब आप घंटा घर की ओर पड़ोगे तो पीछे पांडे आता चला है, वहीं पे बीच में लगाते हैं चाचा हमारे ठेला उनका। तो अभी देखते हैं क्या चीज है यहाँ पे, जो भी अंकल हमें बताएंगे। तो आइए थोड़ा अंकल के पास चलते हैं और पूछते हैं। ये टिकिया का ये पानी है मटर वाला, ये आलू टिक्की है नॉर्मल, ये फुल्की है, ये प्याज का पकौड़ा है ना, ये प्याज का पकौड़ा है, वो कचालू है और इधर मीठी पकौड़ी है और उधर फिर अभी का पानी है। अभी हम लोग फूड को टेस्ट करते हैं और बताते हैं क्या चीज है और बाकी चीजों पर भी ध्यान देंगे। अभी पब्लिक रिव्यू भी लेंगे, बहुत सारे हैं लोग बता रहे थे इस जगह के बारे में, तो अभी पूछते हैं सबसे क्या है। इतनी चीजें नहीं है, एक बार मैं दिखाऊंगा कि दिखा दो इन्हें। जो ये बेसिकली मिक्स है कुछ चीजों का, जिसमें आलू टिक्की और वो खुटकी उल्टी का जो भी पड़ा हुआ है, क्या कहते हैं, चटनी वटनी है, मीठी पकौड़ी है, कचालू है और टिकिया है, वो दिखा के देखते हैं कैसा टेस्ट होगा। बेसिकली यहाँ का टेस्ट आज तक बदला नहीं है, जो 60-63 साल से चाचा चला रहे हैं यहाँ पे। और क्या कहते हैं, जो मीन्स यहाँ का टेस्ट है वो बाकी जहाँ से बहुत डिफरेंट है। और जो यहाँ की टिकिया और इन सब मीठी पकौड़ी में से तो मिलता नहीं है अब और कचालू की, तो बट यहाँ का जो टेस्ट है बाकी जगह से बहुत ही डिफरेंट है। तो अभी मैं ट्राई करता हूँ उस कचालू को। स्पाइसी था, काफी सुना सुना टेस्ट था, काफी अच्छा लगा। नहीं तो घर वाले कचालू होते ना वैसा मत समझना, वो वाला कचालू ये काफी डिफरेंट, चाट वाला अलग था फ्लेवर इसका, मीठा भी है थोड़ा, मीन्स अजीब सा टेस्ट, खट्टा मीठा तो तीन टेस्ट आ रहे हैं इसमें। फिर ये मीठी पकौड़ी है, आप लोग देख सकते हैं इसमें मीठी पकौड़ी है। मीठी पकौड़ी जैसे भी अगर मीठी पकौड़ी की मीठी पकौड़ी की प्याज की बनती है मीठी पकौड़ी, प्याज मुझे देखने से मन चूहे लगा था और टेस्ट काफी अच्छा था। अभी फुल्की भी आगे ट्राई करेंगे और बताते हैं आपको क्या क्या फीलिंग्स है, क्या टेस्ट है। भीड़ बहुत है यहाँ पे, एक बार दिखा दो तो दिखा दो, भीड़ बहुत है, लोग खा रहे हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं जगह को, मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोग आगे आइए, तब तक मैं खाता हूँ उसे और मजे कर लेता हूँ उसके। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे चाचा हैं जो हमारे साथ हैं शॉप के ओनर, बहुत पहले से हैं यहाँ पे, बहुत साथ मतलब 63 साल हो गया है। तो अभी बताएंगे यहाँ मिलता क्या क्या है, क्या क्या चीजें, कितने दाम है, कहाँ से शुरुआत होती है चीजों की, तो सब बताएंगे। तो चलते हैं। तो ये मीठी पकौड़ी लग रही है, ये प्याज की बनती है और ये दुकान कब से है? साल हमको बेचते हैं। अच्छा, इससे पहले आप ज्यादा मतलब अगर माने चीज जगह को हम देखें तो जगह कम से कम 100 साल हो चुका होगा, मेरे हिसाब से 100 साल हो चुका होगा। दाम की बात करें तो जैसा अंकल हमें बता रहे कि 2 रुपए से लेके 10 रुपए, 2 रुपए से लेके जितना आप ले लीजिए। एक पत्ता मिला के 10 रुपए, ये सारी चीजें हैं, कचालू होती है सब मिला के 10 रुपए पड़ता है। तो आइए और आगे चीजों को देखते हैं और बताते हैं। आइए फुल्की को ट्राई करते हैं, टिकिया तो आपने देख ही लिया, और फुल्की को ट्राई करते हैं। चलिए, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, तो अभी पब्लिक रिव्यू लेने आए। सबसे पहले मैम अपना नाम बता दीजिए और आपको यहाँ पे आपने क्या अभी खाया और आपको कैसा लगा? मसाले पांडे हाथी में दुकान है, यहाँ जरूर खाते हैं और बहुत ही स्वादिष्ट है। हम लोग खिलाते खिलाते कहते हैं यहाँ ओल्ड भी हो गए हैं, अब उनके बच्चे भी हम लोग का स्वाद
कम ना हो, अपना काम करते रहते हैं, प्रसाद देते रहते हैं। आप लोग से यहाँ से खा, यहाँ पे खा लिए 20 साल से दीदी खा रही हैं। अब हम लोग सोच सकते हैं कितने में टेस्ट इसका बदला है पहले से। आपने 20 साल पहले अगर पहले से तो और अच्छा हो गया, मीन्स पहले से टेस्ट डेवलप कर रहा है, मतलब अब दुकान आगे बढ़ रही है। तो हम भी जरा फुल्की का आनंद लेते हैं कैसा है, फिर बताते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो अभी हम लोग चलिए फुल्की खाते हैं, आइए। इतना 5 रुपए भैया, कैमरा मैन नहीं खा रहे हमारे, पता नहीं खा रहे हैं। और यहाँ की एक खासियत बता देना, बताना भैया था कि यहाँ टिकिया, जो भी पकौड़ी, चाट, कचालू, जो भी आप खाएंगे सब आपको क्या कहते हैं पत्ते ही में मिलेगा। पत्थर जो एकदम जो पत्थर पुराना जो डिजाइन था, अगर डिजाइन नहीं चेंज हुआ, टेस्ट डेवलप किया जैसा दीदी जी बता रही हैं। तो कुछ ही खाते हैं, तो चलिए अभी थोड़ा सा लाइन लगी हुई है, थोड़ा लाइन वो हो जाए तो हम लोग जाएंगे, खाएंगे, इंजॉय करेंगे जगह को। बाकी तो आप लोग कृपा बनी रही है लास्ट वीडियो के लिए, थैंक यू। अभी फिर से बोल दे रहा हूँ, तो अभी स्ट्रीट फूड मैंने बताया दो चार वीडियो हैं। सबसे पहले चाचा सबसे पुराने हैं, सबसे पहले सबसे उनसे उनके आशीर्वाद के साथ हम इस वीडियो का आरंभ कर रहे हैं, हमारी नई सीजन जो है हमारा स्ट्रीट फूड्स का, उसका आरंभ करेंगे। तो चलिए अभी खाते हैं, फिर बताते हैं आपको। अलग अलग तरीके का पानी है, शायद एक में मीठा है और बाकी दोनों का मुझे, बाकी दोनों अलग अलग है कि दोनों तीखा है, दोनों तीखा है और एक मीठा है। तो अभी खाता हूँ मैं, तो थोड़ा मेरे मुंह को दिखाते हुए, मेरे राक्षस की प्रवृत्ति के मुंह को दिखाते हुए मैं कैसे खाऊंगा। अब आ रहे हैं मुल्के में, मुल्की कई जगह मिलती है गोरखपुर में, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने खाया, यहाँ का पानी का स्वाद ही अलग है, पहली बार एकदम डिफरेंट टेस्ट है, इतना टेस्टी है मैं बता नहीं सकता, मीन्स स्वाद जो आ रहा है ना मुझे, मजा आ गया। आप लोग यहाँ पे जरूर आओ, और मैक्सिमम अगर आप लोग फूड के बारे में काफी जानकारी रखते हो तो गोरखपुर की सबसे फेमस जगह है। सब लोग एक बार जितने लोग बचपन से, जितने लोग यहाँ पे खा रहे हैं सब लोग बचपन से खाते होंगे। अभी मैं मीठे वाला खा के देखता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो सेम चीज इसमें भी है, डिफरेंट टेस्ट है, मीठा पानी होता है, उनका जो स्वाद होता है टमाटो सॉस जैसा आता है, या फिर जो टमाटर ही देखते हैं उनका स्वाद ही होता है। और भी चीजें होंगी, हमने काफी इंजॉय किया चाचा के साथ, जो टेस्ट था, जो मैंने लोगों से सुना, कुछ बातें आप लोगों को बता दी, मैंने लोगों से सुना कि ये कभी बूढ़े नहीं होते, और ये बात है थोड़ा सा बजा के बुरा नहीं लगा, इनको बोला गया ये कभी बूढ़े नहीं होते, मीन्स इनका इनके यहाँ से स्वाद बढ़े जा रहा है। और आप लोग इंजॉय करिए, आना कोई दिक्कत नहीं है, तो चलते हैं, धन्यवाद। Boys of the street, boys of the street, boys of the street is the boys of the street.